तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर, और ये चैप्टर है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ये पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन। हमें इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है कि टर्शियरी सेक्टर है, यानी कि जो तीसरा जो सेक्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता जा रहा है इंडिया में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। फिर जो है ना इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है ना ये फिर से स्टेटमेंट शुरू हो जा रहा है वापस। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये जो टर्शियरी सेक्टर जो है ना वो क्या करता है ना, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करता है ना, उसको जो है वो बूस्ट करता है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो है वो टर्शियरी सेक्टर से ना सपोर्ट मिलता है। इस चीज को हमें ना इवेल्युएट करना है। एंड अगला क्वेश्चन है क्या, एक्सप्लेन एनी फाइव रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। अब सर्विस सेक्टर का ना, जैसे कि हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देख चुके कि सर्विस सेक्टर का इंडिया में काफी ग्रोथ हो रहा है, तो ये हमें अब जो है ना कारण बताना है कि पांच कारण बताना है। तो बच्चा लोग इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, यानी कि इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ देना, तो हमें क्या करना है, हमें आंसर जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक आंसर ही लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसका आंसर के बारे में बात करते हैं। अदरवाइज नोन एज सर्विस सेक्टर, ठीक है, मतलब यू तो सर्विस सेक्टर के रूप में जाना जाता है किसको, टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक बैंकिंग, हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस अमंग अदर। मतलब क्या है ना, पहले लाइन का क्या मतलब है, पहले लाइन का मतलब यह है कि यू तो सर्विस सेक्टर को ना क्या कहा जाता है ना, टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, जिसमें कौन कौन से एक्टिविटीज शामिल होते हैं, उसमें जो ना बैंकिंग के होते हैं, फिर क्या होता है ना सर्विस सेक्टर में हॉस्पिटलिटी, यानी कि हॉस्पिटल का जो है ना वो सर्विसेज जो है, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस, इंश्योरेंस का सर्विस यानी कि बीमा जो इंश्योरेंस होता है, ये सारे सर्विसेज जो है ना वो सर्विस सेक्टर में आते हैं। ठीक है ना, यू तो ये सारे जो है ना क्या होते हैं ना सर्विस सेक्टर में थे। इट इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट एंड गिविंग अ वाइटल बूस्ट टू द अदर सेक्टर सच एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इन इंडिया। और ये जो है ना हम लोग इस चीज को क्वेश्चन को ही थोड़ा सा ले लेते हैं इंट्रो पार्ट में कि इट इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट, मतलब क्या हो रहा है ना, टर्शियरी सेक्टर जो है ना वो क्या हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है एंड गिविंग बूस्ट टू द प्राइमरी सेक्टर एंड, और बढ़ावा दे रहा है किस चीज को, प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ना, यानी कि प्राइमरी सेक्टर को वो क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। सेकंड चीज क्या कर रहा है, वो सेकेंडरी सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहा है, उसको भी बूस्ट कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, उसको दूसरे रूप में जाना जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में। ठीक है, तो ये इस तरह से दिया जाता है। अब जो है ना देखिए, एक डाटा का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि डाटा क्या हुआ कि बिटवीन 1970-71, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है ना 70 और 71 का जो है, 70 और 71 का जो है ड्यूरेशन, जो फाइनेंशियल ईयर है, अगेन 2010 एंड 11, मतलब ये एक फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ कि ये फाइनेंशियल ईयर और इस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 40 साल के अंदर में ये देखा गया, तकरीबन 40 साल के अंदर में ये देखा गया कि सारे सेक्टर का तो विकास हुआ है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर हैज इंक्रीज द मोस्ट एज पर द रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार जो है ना टर्शियरी सेक्टर का ना विकास ज्यादा हुआ है। ठीक है ना, ये मैं नहीं बल्कि आपका एनसीईआरटी बुक में इस चीज को मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या है, द रीजन फॉर दिस कैन बी जज फ्रॉम फॉलोइंग वेट, और इस बात का जजमेंट जो है ना, इस बात का जो है ना क्या कहते हैं अंदेशा जो है ना, मतलब कि इस चीज को हम लोग पता किस बात से लगा सकते हैं, इस चीज का अंदाजा जो है ना हम लोग किस बात से लगा सकते हैं, इस बात का अंदाजा हम लोग लिखे नीचे लिखे हुए फैक्ट्स से, नीचे लिखे हुए जो फैक्ट्स है ना, उन सारे फैक्ट्स हम लोग इसके बारे में पता लगा सकते हैं। चलिए आते हैं पॉइंट वन की बात करते हैं ना, तो पॉइंट वन क्या है, टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स बट दे सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। मतलब क्या है ना कि टर्शियरी सेक्टर जो है ना वो अपने आप में किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे एक दुकानदार जो है ना अगर कोई सामान बेचता है ना, तो वो कुछ चीज का उत्पादन नहीं कर रहा, बल्कि वो सेवा दे रहा है, सर्विस देता है। अगर एक हॉस्पिटल में जो है ना नर्स या फिर डॉक्टर जो है ना, अगर किसी चीज किसी मरीज को अगर सर्विस दे रहे हैं ना, तो वो सर्विस दे रहे होते हैं, वो कोई चीज को प्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है ना, तो सिमिलरली टर्शियरी सेक्टर जो है ना, करने का मतलब ये हो गया कि टर्शियरी सेक्टर जो है ना अपने आप में किसी चीज का क्या करता है ना,
प्रोडक्शन नहीं करता, बल्कि क्या करता है ना, ये प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करता है ना, ये सपोर्ट कर देता है, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल की यहां बात कही जा रही है, फॉर एग्जांपल मतलब एग्जांपल के तौर पे क्या है, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड इंडस्ट्री। अब देखिए ये जो है ना एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है ना, यानी कि ये प्राइमरी सेक्टर है, और इंडस्ट्री क्या होगा ना, सेकेंडरी सेक्टर है। अब देखिए क्या होता है ना, जो भी चीज जो है ना एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होता है या फिर जो इंडस्ट्री से होता है ना, उससे जो है ना ये ट्रेड, ट्रेड क्या हो गया, ट्रेड एक तरह का सेवा हो गया, कॉमर्स एक तरह का सेवा हो गया, ट्रांसपोर्ट किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह अगर उसका जो है ना उसको ट्रांसपोर्ट करते, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का उसका काम करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो ये क्या होता है ना, ये सेवा होता है, और इस तरह से क्या होता है ना, ये एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को क्या करता है, सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो पहला रीजन हम लोग क्या बता दिए, पहला कि टर्शियरी सेक्टर जो है ना अपने आप में कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री आता है। तो जैसे कि ट्रेड और क्या हो गया, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब इस चीज को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं ना सेकेंड पॉइंट की बात, तो देखिए इन अ कंट्री वेरियस सर्विसेज आर रिक्वायर्ड सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस एंड बैंक। मतलब एक कंट्री में ना बैंक की जरूरत होती है, एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, एंड फिर किस चीज की जरूरत होती है ना, इंश्योरेंस की जरूरत होती है। तो ये जो है ना ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं, एंड द बेटरमेंट हैज द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसी भी राष्ट्र के ना डेवलपमेंट करने के लिए ना इन सारे सेक्टर की जरूरत होती है, बेसिक एक नेसेसिटी होती है इस चीज का, और इसके लिए ना गवर्नमेंट को भी क्या होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता है ताकि इसका बेटरमेंट हो सके, ये जो है ना काफी अच्छा कर सके ये सारे सेक्टर। तो इस वजह से क्या हो गया ना, हम लोग दो पॉइंट देख चुके कि दो पॉइंट इस चीज को इंडिकेट करता है, इस चीज को जो है ना वो को इस चीज को सजेस्ट करता है कि क्यों जो है ना टर्शियरी सेक्टर जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट कर रहा है। और इसका लगे हाथ इस चीज का भी हम लोग आंसर तैयार करते जा रहे हैं कि कैसे जो है ना क्या क्या रीजन है कि टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है। अब अच्छा आते हैं तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट है टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड मेनी इसेंशियल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट ऑफिसेस, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ सर्विसेज। मतलब इसमें जो है ना कई सारे सर्विसेज के बारे में बताया गया जो कि गवर्नमेंट और बहुत ही जरूरी इसेंशियल सर्विसेज होते हैं, और ये सर्विसेज जो होता है ना किस चीज में आते हैं ना, टर्शियरी सेक्टर में होते हैं। तो टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड मेनी इसेंशियल सर्विसेज, कई सारे आवश्यक इसेंशियल आवश्यक सेवाओं को ना इसके अंदर शामिल होता है, जैसे हॉस्पिटल का सेवा, कोर्ट का सेवा, फिर क्या होता है ना पुलिस स्टेशन से जो हमें सेवा मिलता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज, या फिर पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, इन सारे से ना हम लोग को क्या मिलता है, टर्शियरी सेक्टर से आते हैं, ठीक है। एंड दीज ऑल आर द बेसिक सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन, मतलब इंसान के द्वारा जो है ना क्या होता है ना, ये बेसिक जरूरत होती है, यानी कि बुनियादी जरूरत होती है जिसकी जरूरत पड़ती है, और इसके वजह से ना विच बूस्ट द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, और इससे क्या होता है ना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ना बूस्ट मिलता है, यानी कि उसको जो है बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से हम लोग फिर हम कह सकते हैं क्या, एक रीजन और पता चल जाता है कि टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ इंडिया में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे, विद द राइज ऑफ इनकम। अब देखिए क्या होता है ना, इंसान का जब पैसे आने लगते हैं ना, तो वो उसको जो है ना अलग अलग तरह की सेवाएं की भी जरूरत हो जाती है, और कुछ सेवा जो है ना वो इस तरह का है। देखिए कैसे, विद द राइज ऑफ इनकम, इनकम में बढ़ोतरी की वजह से क्या होता है ना, सर्टेन सर्विसेज सच एज टूरिज्म, अब किसी के पास पैसा हो तो वो घूमने जाएगा, यानी कि टूरिज्म को उससे बूस्ट मिलेगा, वो इंटरटेनमेंट का डिफरेंट इंटरटेनमेंट का भी मोड को जो है अडॉप्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा ना इंटरटेनमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, होटल इंडस्ट्रीज को यानी कि होटल को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना। और क्या होता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स आदि क्वाइट, मतलब आपके पास अगर पैसे आ जाए, यानी कि इंसान के पास अगर पैसे आ जाए, तो क्या होता है ना कि कई सारे अदर सेक्टर्स भी लाइक टूरिज्म प्रमोट होना शुरू हो जाता है, लोग घूमने चाहते हैं, ठीक है, इंटरटेनमेंट को प्रमोशन मिल जाता है, फिर क्या होता है ना होटल सर्विस इंडस्ट्री को प्रमोशन मिलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल की भी जरूरत पड़ जाती है लोगों को, और इस तरह से क्या होता है ना कि दिस
फर्दर बूस्ट द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। और इस तरह से क्या होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट मिलता है, यानी कि बढ़ावा मिलता है विद द राइज ऑफ इनकम, इनकम की बढ़ोतरी से। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, विद द फिफ्थ पॉइंट की बात करते, फिफ्थ, विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सर्टेन सर्विसेज सच एज सेल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सच हैज गेन द पॉपुलरिटी इन इंडिया। मतलब इनका, इन सारी चीजों का ना पॉपुलरिटी इंडिया में बढ़ गया है। क्यों? इंफॉर्मेशन के डेवलपमेंट की वजह से, या फिर हम बोले कि इंफॉर्मेशन क्रांति की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवोल्यूशन आया ना, उसके वजह से भी क्या हो गया ना, हमारी जरूरतें बढ़ जा रही हैं। ठीक है, और इसके वजह से क्या हो रहा है कि सर्विस सेक्टर को फिर से क्या हो रहा है ना, बूस्ट मिल रहा है। और इस तरह से सर्विस सेक्टर जो है वो क्या हो जा रहा है ना, वो प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को भी बूस्ट करना चालू कर देता है। तो हम लोग कह सकते हैं नीडलेस टू से, अब इसको देखिए क्या होता है, इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड इस तरह से करेंगे, नीडलेस टू से इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है, द ग्रेटर द डिमांड ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। मतलब कि जितना ज्यादा जरूरत, जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा किसका, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का, द ग्रेटर द डिमांड फॉर द सर्विसेज सेक्टर, और उतना ही ज्यादा सर्विस सेक्टर की भी जरूरत का पड़ेगा, डिमांड का को बूस्ट मिलेगा, उतना ही ज्यादा डिमांड वहां भी आएगा। और इस तरह से हेंस हम लोग क्या सकते हैं ना, इसके बाद जो है ना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वो इस क्वेश्चन को सपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो हेंस के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि दिस एक्सप्लेन्स व्हाई, दिस एक्सप्लेन्स हेंस, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग, इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट इन इंडिया। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर जैसा क्वेश्चन होगा ना उसको क्या करना है, एंड में हमें सपोर्ट कर देना है। थैंक यू बच्चा।